नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ा झटका मिला है। दरअसल एक एप्लीकेशन जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें स्कूलों ने ये मांग की थी कि पंजाब की तर्ज पर ही हरियाणा में भी जो ट्यूशन फीस है उसके अलावा जो अतिरिक्त चार्ज हैं वो लेने की परमिशन जो है वो स्कूलों को दे दी जाए। और इसी मामले पर आज हाईकोर्ट ने जो इजाज़त है वो स्कूलों को दे दी है। बातचीत के लिए जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। सर, सबसे पहले क्या नाम है जी आपका? प्रशांत मुंजाल। प्रशांत जी, क्या जजमेंट आई है पहले हम वो जानना चाहेंगे। जी, आज पंजाब एंड हरियाणा ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उस फैसले में पहले ही एक जजमेंट आ चुकी है पंजाब के स्कूल्स के लिए, हरियाणा में भी उसी को सेम को एप्लीकेबल कर दिया गया है। उस जजमेंट में पहले हरियाणा में जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी वो ये थी कि 2019-20 की सिर्फ ट्यूशन फी ही ली जा सकती है और कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता। अब उसको चेंज कर दिया गया है, अब पंजाब की तर्ज पे ही जो 2019-20 की ही पिछले साल की ही फीस लेनी है, परंतु हम सारी की सारी फीस ले सकते हैं, चाहे वो एनुअल चार्जेस हो, चाहे वो एडमिशन फीस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो बट विदाउट डीजल, और चाहे ट्यूशन फीस हो। तो सर, अब कब डिमांड की जाएगी पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स को कब इसके बारे में जानकारी दी जाएगी? हमें जजमेंट की कॉपी का इंतज़ार है, आज फैसला हो चुका है, हम लोगों ने उसको विटनेस किया था और जल्दी ही इसके बारे में एक नीति बनाई जाएगी और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की जाएगी। हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ही करेंगे क्योंकि असमंजस का इतना बड़ा माहौल बन चुका था कि पेरेंट्स भी कन्फ्यूज़ हैं, स्कूल भी कन्फ्यूज़ हैं, तो आज ये एक साइड पर लग गई है बात और ये फाइनल हो गया है कि क्या होना है और कितनी फीस ली जानी। सर, लेकिन इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन में जो कई पेरेंट्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो क्या आप लोग कुछ राहत देने की सोच रहे हैं कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो भी पेंडिंग पड़ी है, आप लोग कहते हैं कि सिर्फ वही निकल जाए, पेरेंट्स पर अभी जो अतिरिक्त ये बोझ है ट्रांसपोर्ट चार्जेस का, एनुअल फीस चार्जेस का, वो ना पड़े, क्या ऐसा कुछ विचार है? देखिए, जो ये वाला आपका मुद्दा है इसके लिए स्कूल पहले ही बहुत सिंपैथेटिक था। हमने पहले भी यही बात बोली थी कि अगर सरकार की नोटिफिकेशन ना निकली तो स्कूल और पेरेंट का एक अपना नया रिश्ता था, उसके तहत ही जिसको दिक्कत थी वो हमारे पास आता और हम उसको अकोमोडेट करते, और अभी भी हमारे सारे स्कूल्स अकोमोडेट कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन अभी क्या हो गया कि जब सब कुछ देना है, इससे ये क्लैरिटी आ गई कि फीस तो देनी ही है अगर बच्चा पढ़ाना है तो। बाकी हमारे सब स्कूल बहुत कोऑपरेटिव हैं और जैसे जैसे जिसकी कोई आर्थिक दिक्कत होगी, कुछ होगा, उसके लिए वो अप्लाई भी कर सकते हैं। बल्कि माननीय कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो अप्लाई करे स्कूल को एफिडेविट के साथ और अपने प्रूफ्स लगा के, और स्कूल उसको ऐसी मदद करे, चाहे आर्थिक दे, चाहे उसकी फीस की इंस्टॉलमेंट्स बनाए, और अगर वो तब भी खुश नहीं है तो वो डीओ के पास भी जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने स्कूलों को भी ये राहत दी है कि अगर स्कूलों को लगता है वो घाटे में चल रहे हैं तो वो डीओ को या सरकार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो 19-20 की नहीं इस साल की बढ़ी हुई फीस लेंगे। दोनों तरफ से बैलेंसिंग बनाई है, बहुत बढ़िया जी। सर, हर साल फीस जो है वो बढ़ाई जाती है, इस बार जो ट्यूशन फीस थी उसको लेकर भी कई पेरेंट्स ने कहा था कि बढ़ी हुई जो फीस है वो मांगी जा रही है, और ये अब जो अन्य चार्जेस हैं पेरेंट्स के ऊपर पड़ेंगे वो बढ़े हुए मांगे जाएंगे या पिछले साल के मुताबिक? जो कोई भी चार्ज लिया जा रहा है, जब ट्यूशन फी भी ली जा रही थी, अगर वो 2019-20 की ली जा रही थी, 2020-21 की फीस नहीं दी ली जा रही थी, तो ये बहुत क्लियर है। अभी भी जो सारे चार्जेस हैं वो 2019-20 के हिसाब से ही लिए जाएंगे, इस साल के चार्जेस नहीं लिए जाने हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सौरभ कपूर भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सौरभ जी, एक मुद्दा जो है वो हमारे संज्ञान में आ रहा है कि जो एक सर्टिफिकेट होता है वो जब बच्चे ने स्कूल छोड़ना है वो दिया जाता है, उसको देने में स्कूल काफ़ी आनाकानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पूरी फीस है उस समय तक की वो दी जाए, फिर बच्चे को वहाँ से छोड़ने दिया जाएगा। देखिए, सर्टिफिकेट की अगर मुद्दे की बात करें तो बड़ा क्लियर सा रूल है कि अगर आपको बच्चा क्या सर्टिफिकेट लेना है, अगर किसी दूसरे शहर में आप शिफ्ट हो रहे हैं, किसी दूसरे स्कूल में हो रहे हैं, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे स्कूल में और उसके बिहाफ पे आपको टीसी भेज दे दिया जाएगा। मगर देखने में क्या आता है कि अभिभावक वो एप्लीकेशन देने में कहीं ना कहीं गुरेज कर जाते हैं या आनाकानी करते हैं या वो भूल जाते हैं, जिस वजह से दिक्कत आती है। एक क्लियर रूल है, सभी अभिभावकों को ये पता होना चाहिए कि जिस महीने आपने टीसी अप्लाई किया उस महीने तक की जो पिछले महीने हैं वहाँ तक की आपके ड्यूज़ क्लियर होने चाहिए। ड्यूज़ क्लियर हैं तो कोई भी प्राइवेट स्कूल टीसी देने में किसी तरह के भी कोई आनाकानी नहीं करेगा। सौरभ जी, अब फैसला आप लोगों के हक में आ गया है हाई कोर्ट से, अब अगली क्या रणनीति होगी, किस तरह से सारा कुछ ये प्लान किया जाएगा?
देखिए फैसला आ गया है, हम भी फैसले की ही वेट कर रहे थे ताकि एक स्थिति जो है असमंजस की बनी हुई थी वो कहीं ना क्लियर होए। भाई फिर भी हम अभिभावकों से यही अनुरोध करेंगे कि आपके स्कूल में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, आप प्रिंसिपल्स के साथ आपका काफ़ी सालों का नाता है, किसी को भी कोई दिक्कत समस्या कोई आती है तो वो प्रिंसिपल से मिले। बिना मिले अगर वो किसी तरह का कोई अपने सोच अपने दिमाग में रखता है तो वो कहना बिल्कुल गलत होगा। एनुअल चार्जेस को लेकर भी ऑर्डर आ गया है लेने का, उसको लेकर भी अगर किसी को कोई परेशानी दिक्कत होती है, वो इंस्टॉलमेंट भी करवाना चाहता है तो वो अपने स्कूल प्रिंसिपल से मिले। अंबाला में कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जो इतना रूड बिहेवियर है किसी का, पुराने स्कूल हैं, सब लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, आगे उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो हर तरीके की कोऑपरेशन है जो अभिभावकों को स्कूल संचालक जरूर करेंगे। सर अगर बात की जाए कुल परसेंटेज, आप शुरू से कहते हैं कि 20% भी फीस अभी तक नहीं आई है, तो क्या उम्मीद है कि अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट चार्जेज हैं, ये एनुअल फीस है जो ये मांगेंगे तो ये आएगी? देखिए फीस ना आने का जो मुद्दा था वो भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी, इस वजह से फीस नहीं आ रही थी। ये जैसे जैसे क्लियर होती रहेगी। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो अभी तक ग्रामीण इलाकों में 10% से ज़्यादा फीस नहीं आई, 5% भी आई है, कई जगह तो बिल्कुल फीस नहीं आई, क्योंकि हर तरह के स्कूल हैं। तो हम बार बार अभिभावकों से ये अनुरोध करते हैं कि आपका जो सेशन है ये चल रहा है, आपका बच्चा अगले साल अगली क्लास में जाएगा। ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में भी हाईकोर्ट ने क्लियर फैसला दे दिया कि ऑनलाइन स्टडीज़ जो हो रही ठीक है, और अभिभावकों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो फीस है, लॉकडाउन खुल गया है, कारोबार सब खुल गए हैं, कोई सिर्फ स्कूल को छोड़ के मेरे हिसाब से सिनेमाज और जिम को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें कहीं ना कहीं खुल चुकी हैं, तो अपने स्कूल प्रिंसिपल से बात करें, अपने पेंडिंग ड्यूज है उसको कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट बनवा लें। सरकार ने तो इंस्टॉलमेंट की बात जून जुलाई अगस्त की थी, मगर हमने फिर भी उससे बढ़कर कही कि प्रिंसिपल्स हैं जो उनसे मिलें, उनसे अच्छा रिश्ता है हमारा, और प्राइवेट स्कूल हमेशा अपनी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि बोर्ड के कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो कहीं ना कहीं अभिभावक अगर अपने बच्चों के लिए खुश होते हैं तो टीचर्स और स्कूल संचालक भी खुश होते हैं कि हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं वो आगे उन्नति करें। मगर स्कूल एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको चलाने के लिए जो पैसा है वो तो चाहिए स्कूलों को। सौरभ जी एक इसी तरह का फैसला पंजाब को लेकर भी हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने पेरेंट्स की तरफदारी लेते हुए पेटिशन डाली थी, हालांकि वो खारिज कर दी गई है। आप लोगों की अभी तक सरकार से कोई बातचीत हुई है? सरकार का क्या रुख है अभी तक इस फैसले पर? देखिए सरकार शुरू से वैसे तो नरम रही है, कोई दिक्कत नहीं आई हरियाणा में, मगर जो दो तीन लेटर्स अलग अलग निकले उस वजह से कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति एक बन गई थी, मगर ये हाईकोर्ट के फैसले ने जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं अब सरकार को भी जो परेशानियाँ आ रही थी, अभिभावकों को का दबाव उन पे आ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो भी सारा हर चीज़ क्लियर हो गई है। तो अब अभिभावकों में भी चाहिए कि 4 महीने बीत गए हैं इस मामले को लेकर, अब जिसके भी कोई ड्यूज़ हैं वो स्कूलों में जमा कराएं और जो ऑनलाइन स्टडी है उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। जैसे ही कोविड की कोई आगे स्कूल खुलने के ऑर्डर आएंगे तो उस तरीके से फिर स्कूल दोबारा खोले जाएंगे, और हमारे साथ कोऑपरेट करके चलें, हम भी हमेशा अभिभावकों के साथ कोऑपरेट करके चलेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिन लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के लिए कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली और उन्हें झटका देने वाली खबर जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से सामने आ रही है कि अब स्कूलों को हाईकोर्ट ने ये परमिशन दे दी है कि वो ट्यूशन फीस के साथ साथ जो अतिरिक्त चार्जेस हैं, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट फीस हो या फिर एनुअल चार्जेस जो हैं, वो वसूल सकते हैं। और अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अभिभावक जो हैं वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ अभिभावकों की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। बहरहाल देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।